दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में, जैसे कि आप सभी दोस्तों वीडियो के थंबनेल और टाइटल में भी देखा होगा दोस्तों, आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, इस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया गया है। ठीक है, अब डिमांड मेरा इसलिए आ रहा है दोस्तों लोगों का, क्योंकि बोलना है कि भाई हमारे पास क्रेडिट कार्ड है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक का दोस्तों क्रेडिट कार्ड है, और इसमें दोस्तों जो मुझे लिमिट मिला हुआ है 1,20,000 रुपये का लिमिट मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों इस अमाउंट को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, वो भी दोस्तों विदाउट चार्जेस। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का सवाल आ रहा है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें चार्जेस लग जाता है जब हम पैसे निकालने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड एक यूज़र है दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आप क्रेडिट एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों पैसा ज़रूर निकालते होंगे, तो उस पर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमीशन लग जाता है। और भी दोस्तों मैं देखा हूँ, अदर जगह से भी निकाल के देखा हूँ, उसमें कमीशन लग जाता है। लेकिन दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट में दोस्तों आपके सामने में भी ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और 1 रुपये भी पैसा नहीं लगेगा। उसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर, और आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग पैसा निकालेंगे इस दोस्तों क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर करना यार, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ दोस्तों इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए, चैनल को हमारे लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब करना, घंटी को ऑल पे क्लिक करना दोस्तों, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम प्ले स्टोर में आ जाएंगे, और यहाँ से दोस्तों आने के बाद मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है। अब यहाँ पर बहुत सारे भाई बोलेंगे, भाई पेटीएम एप्लीकेशन से पैसा निकलेगा लेकिन इस पर कमीशन लगेगा, चार्जेस लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया है कि मैं अभी आपको लाइव प्रूफ अभी निकाल के दिखाऊंगा दोस्तों, ये जो मेरा क्रेडिट कार्ड है इससे मैं अभी आपको लाइव प्रूफ निकाल के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, और पेटीएम ऐप से ही निकालेंगे हम लोग, और यहाँ पर 1 रुपये का भी हमारा कमीशन नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, मैंने पेटीएम एप्लीकेशन, अगर आपके पास नहीं है तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका लिंक आपको मिलेगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद जस्ट ओपन में क्लिक करेंगे, ओपन में दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस निकल के आ जाएगा दोस्तों पेटीएम की तरफ से दोस्तों काफ़ी यहां पर जो है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको ये, बहुत सारे भाई लोग बोलेंगे कि ये ऑफर वाला जो चल रहा होगा अभी पैसा निकल जाएगा बाद में चार्जेस लगेगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको कभी से कभी चार्जेस आपसे यहाँ पर लगेगा ही नहीं, यानी कि आपको कभी भी चार्जेस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग पहले क्या करते थे, क्रेडिट कार्ड का पैसा निकालने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते थे, रेंट पेमेंट में जा करके, जैसे कि यहाँ पर हम वीओ मोड में क्लिक किए, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले क्या कर रहे थे, रेंट पेमेंट करके दोस्तों यहाँ पर रेंट पेमेंट में जाते थे, और रेंट पेमेंट करके पैसा निकाल लेते थे, रेंट पेमेंट में जाते थे दोस्तों और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से निकाल लेते थे। लेकिन इसमें भी दोस्तों हमारा काफ़ी ज़्यादा कमीशन लगता था, तो ना कि हमें रेंट पेमेंट करना है ना कि हमें कुछ भी करना है, और जो पैसा है दोस्तों वो निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बैंक आते हैं, और बैंक आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, रिचार्ज एंड बिल पे का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे कि यहाँ पर मैं बैंक जाता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिचार्ज एंड बिल पे, देख लेते हैं यहाँ पर आपको इस वाला ऑप्शन पे, और यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलेगा वॉलेट का। अब यहाँ पर जस्ट दोस्तों आपको वॉलेट पे क्लिक करना है, वॉलेट में दोस्तों क्लिक करने के बाद हमारे वॉलेट में दोस्तों देख लेते हैं 7,58 रुपया पड़ा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पैसे को हम क्या करेंगे, अपने वॉलेट में ऐड करेंगे, और वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब बहुत सारे भाई का बोलना होगा कि हमारे पास फुल KYC नहीं है तो हम कैसे पैसा निकालेंगे, उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, आप लोग घबराइए मत। अगर आपका KYC कंप्लीट नहीं है तो भी दोस्तों आपका पैसा आपके वॉलेट से निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जस्ट हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट को ऐड करना होगा, कितना अमाउंट आप निकालना चाहते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सिमम है दोस्तों आपको 1,000 रुपये निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 1,000 रुपये ही डाल देते हैं, और यहाँ पर दोस्तों प्रोसीड में क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शंस आपको मिलेगा, एक दोस्तों आपको मिलेगा ऑटो यानी कि आपके बैंक अकाउंट से काटा जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शंस मिलेगा ऐड यानी कि आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड से काटा जाएगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आ चुका है, और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, डेबिट क्रेडिट, हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, क्रेडिट में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना कार्ड का नंबर डाल देंगे। ठीक है, अब कार्ड नंबर दोस्तों यहाँ पर डालने के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं शो करूँगा, ज़्यादा नहीं शो करूँगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के लिए, अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कार्ड का नंबर आपको अपने कार्ड पर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं हमारा जो क्रेडिट कार्ड है इस पर ये नंबर लिखा होगा, जो भी होगा 16 अंक का 18 अंक का जितना भी रहता है, ये यहाँ पर आपको अपना कार्ड का नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है, मंथ डालना है, और लास्ट में आपको एक CVV नंबर डाल देना है। CVV नंबर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर CVV नंबर आपको इस तरीके का मिलेगा, देख सकते हैं मेरे पास CVV है इस तरीके का है, और इस CVV नंबर को हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चलिए हम अपना कार्ड का डिटेल सारा डाल देते हैं अच्छे तरीके से।
अब दोस्तों जैसे मैंने नंबर डाला यहाँ पर, जो हमारा कार्ड है दोस्तों वीज़ा का है, तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे जो मेरा वीज़ा कार्ड है दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर वीज़ा जो हमारा है ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पर सिंबल आ चुका है। तो जो भी आपका कार्ड रहेगा उसका यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक ये आपका ले लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, चलिए हम सारा डिटेल डाल देते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अमाउंट अगर आप छोटा मोटा अमाउंट निकालते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आप 1000 रुपये निकालते हैं तो 1000 में आपको कमीशन देना पड़ेगा। 10000 रुपये अगर आप निकालोगे दोस्तों तो 10000 में 1 रुपये भी आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 10000 रुपये मैं यहाँ पर मार दिया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारी स्क्रीन पर। और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, प्रोसीड में और पे में क्लिक करके पेमेंट दोस्तों हम कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुली हमारे वॉलेट पर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे सबमिट में ऐड हो जाएगा, ओटीपी होने के बाद दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद चलिए मैं आपको जस्ट वॉलेट वाले ऑप्शंस में क्लिक करना है दोस्तों। और दोस्तों वॉलेट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रांसफर टू बैंक। हालांकि दोस्तों हमने यहाँ पर जो पैसा है दोस्तों नहीं निकाला, किसी रीजन से हमने यहाँ पर पैसे को ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन जो भी हुआ दोस्तों मैंने आपके साथ सारा लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों बात किया। यहाँ पर अमाउंट जो है दोस्तों बिल्कुल 1 रुपये का भी यहाँ पर कमीशन नहीं लगा। और आपको यहाँ पर ट्रांसफर टू बैंक में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितना भी अमाउंट आपका रहेगा यहाँ पर डाल देना है। और डालने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने बैंक अकाउंट में दोस्तों डायरेक्ट ऐड करके जो भी बैंक अकाउंट में आप लेना चाहेंगे, यहाँ से दोस्तों हमने यहाँ पर 3 बैंक अकाउंट को पहले से ऐड करके रखा हुआ, आप यहाँ पर ऐड न्यू बैंक अकाउंट में जा करके कोई भी दोस्तों बैंक अकाउंट में पैसा दोस्तों आसानी से ले सकते हैं। तो वीडियो आप सभी को उम्मीद करते दोस्तों समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो साथी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर आपके मन में कुछ सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। तब जय हिंद, वंदे मातरम।